तो देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद जब इस फिल्म को देख रहा था तो मैं अपनी पलकें झपका रहा था, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, बस मन कर रहा था अब सो जाऊं, अब मुझसे ये फिल्म जो है ना वो झेली नहीं जाएगी, तो कुछ ऐसी मेरी हालत थी। लेकिन यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, एंड तक आते आते कुछ ऐसा दिखा जाती है, कुछ ऐसा खेल जाती है ना कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये फिल्म कुछ ऐसे ही निकल कर आएगी। और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ इस मूवी को, क्योंकि अगर मैं करूँगा नहीं ना, और अगर कोई इस फिल्म को देखने की कोशिश भी करेगा ना, तो फिल्म उसके सर के ऊपर से जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई देख रहा है तो उसको समझ में तो आए कि फिल्म किस बारे में है, ताकि वो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ फिल्म देखे और उसको समझ में आए कि फिल्म क्या है, तभी उसको फिल्म पसंद आएगी। वरना ये फिल्म हर तरह की ऑडियंस के लिए नहीं बनी हुई है, ये फिल्म मास ऑडियंस के लिए नहीं है, क्लास ऑडियंस के लिए है, बिल्कुल है, और उनको देखना भी चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी वो उस फिल्म को देख पाएंगे, वरना नहीं। तो देखो, यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, इसकी एक तरफ देखा जाए तो अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। अगर मैं बुराई की बात करूँ तो ये जो फिल्म है ना थोड़ी सी डिफरेंट है, और कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट है कि इस फिल्म को जिस तरीके से बनाकर रखा गया है ना, वही इस फिल्म की सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि जब आप इस फिल्म को धीरे धीरे देखना शुरू करोगे ना, तो ये फिल्म आपको इतना ज़्यादा बोर करेगी, इतना ज़्यादा स्लो ये फिल्म है, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हमें सुनने देखने को मिलती हैं जिससे हो सकता है कि काफ़ी लोग एग्री करें, काफ़ी लोग डिसएग्री करें, यानी कि आपको हो सकता है कि शुरुआत में ये फिल्म पसंद ना आए और आप बोलो कि ये फिल्म तो मेरे झेलने लायक की नहीं है। क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना, जो कि शायद कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, ऊपर से फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो लगेगी और बोरिंग भी, ऊपर से लगभग लगभग 2 घंटे की फिल्म है, तो हर किसी के बर्दाश्त करने के लायक की ये फिल्म नहीं है। तो अगर कोई लोगों को, मतलब आप उस तरीके की ऑडियंस हो जिनको डिफरेंट टाइप का कंटेंट या फिर कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। इस फिल्म को आप वहीं पर छोड़ दो, मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपका वक्त बचेगा, आप उससे अच्छा है कि कोई दूसरी फिल्म देख लो, क्योंकि फिर आप फिल्म देखने की कोशिश करोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके सर में दर्द होगा, आप बोलोगे क्यों मैंने इस मनुष्य फिल्म को देखकर अपना टाइम वेस्ट किया है। तो इसीलिए आपके लिए ये फिल्म नहीं है, आप मत देखो। अगर मैं उसके उलट यहाँ पर अच्छाई की बात करूँ, तो यहाँ पर फिल्म जिस तरीके से शुरू होती है ना, तो एंड आते आते जो हमें देखने को मिलता है वो हमारी पूरी सोच ही बदल देती है इस फिल्म को लेकर। और जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं था कि ये फिल्म किस बारे में है और ये फिल्म हमें दिखाती क्या है, उस वजह से मुझे नींद आ रही थी, मुझे सोने का मन कर रहा था। फिर जब मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि ये फिल्म का कंटेंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये फिल्म आखिर किस बारे में है, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, अब तो ये फिल्म तगड़ी है। जी हाँ, अगर जिन लोगों को डिफरेंट टाइप की मूवीज देखना पसंद है, ताकि फिल्म कुछ भी हो, कैसे भी हो, कंटेंट में दम हो, और फिल्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी भी हो कंटेंट वाइज, और इस फिल्म में हमें ड्रामा देखने को मिलता है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फिल्म की कमी है कि फिल्म जो है थोड़ी सी स्लो है और बोरिंग भी है, काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगती है, टाइम लेती है फिल्म, और फिल्म जो है काफ़ी वक्त तक ट्रैक से भटक जाती है बीच बीच में, और यहाँ पर फिल्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा खिंची खिंची सी लगती है, तो उस वजह से ये जो फिल्म है, एक तरीके से मैं उनको ही सजेस्ट करना चाहूँगा जो पेशेंस के साथ फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि मेरा भी हाल कुछ वैसा ही था, लेकिन मैंने पेशेंस बना कर रखा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद फिल्म अच्छी निकलेगी, और अच्छी निकली भी। तो अगर आप जैसे तैसे करके पेशेंस बनाकर इस फिल्म को देखोगे ना, तो फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर फिल्म जो है एक तरीके से देखा जाए तो किसी की बायोग्राफी हमें यहाँ पर दिखाई गई है, यानी कि एक तरीके से इस फिल्म को आप बायोपिक मान सकते हो, जहाँ पर हमें किसी की ज़िंदगी दिखाई गई है, और यहाँ पर किस तरीके से अगर कोई इंसान जो होता भी है तो उसको किस तरीके से फोर्स किया जाता है, किस तरीके से उसमें बदलाव करने की कोशिश की जाती है ज़बरदस्ती, यानी कि ये दुनिया सुधरी नहीं है, जैसे अमेरिका जैसे देश जिसको हम इतना ज़्यादा लिबरल मानते हैं, यहाँ पर परेशानी तो उनके साथ भी है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो इसको प्रॉपर तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पॉयलर्स देना नहीं चाहता, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो फिल्म है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना, ये फिल्म जो हमें दिखाती है, बताती है, समझाती है, उसको शुरुआत से ठीक से बताया नहीं गया, आपको खुद से समझना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर एक ऐसे लड़की की कहानी हमें देखने को मिलती है जो कि बाकी लोगों से अलग है, और जिस वजह से उसे एक थेरेपी सेशन में भेजा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, ताकि वो एक्सेप्ट करे वो जो कि वो नहीं बनना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती वैसा किया करवाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर इस मूवी में देखने को मिलता है। और क्या ये दुनिया वाले या फिर ये फैमिली उसकी अपनी
उसको समझ पाएगी या फिर नहीं, या फिर उसको दुनिया के हिसाब से बदलना पड़ेगा, या फिर वो खुद के दम पर अपनी एक अलग दुनिया बनाकर जीने की कोशिश करेगा। तो कुछ ऐसा ही इस फिल्म में आपको दिखाया गया है और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे से ये फिल्म हमें ये चीज़ दिखाती है, समझाती है, बताती है। और मुझे लगता है जो भी इस फिल्म को देखेंगे उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी और उनको ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। पर पेशेंस के साथ देखना, थोड़ा सा आराम से मूवी को देखना, एंजॉय करना, समझने की कोशिश करना। जब आप समझ जाओगे ना कि ये फिल्म हमें क्या दिखाती है, क्या बताती है, समझाती है, तो आप इजीली इस फिल्म के प्यार में पड़ जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ फिल्म में वाकई में दम था और फिल्म दमदार थी। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं और बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, हालांकि ये फिल्म आप सबके साथ बैठकर तो नहीं देख पाओगे, पर दोस्तों के साथ या फिर किसी समझदार इंसान के साथ बैठकर इस फिल्म को आप देखोगे ना तो आप इंजॉय करोगे इस फिल्म को और एंड में आपके मुंह से यही निकलेगा कि हाँ फिल्म कमाल की थी, फिल्म तगड़ी थी, दमदार थी। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है कि नहीं। और अगर आपने फिल्म देख लिया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। जोहार।